1, 2 और 3 A74, FX30 और A73 पूरा सोनी का सेटअप है। सब कैमरास हैं, सब ट्राइपॉड है, सब सोनी के दलाल। आज मैं लाइफ में पहली बार स्पीति वैली जा रहा हूँ। आज से पहले मैंने स्पीति वैली को सिर्फ फोटोज और वीडियोस में देखा था, और जब से मैंने चैनल शुरू किया था स्पीति वैली मेरी विश लिस्ट में सबसे टॉप पे थी। एंड सी हियर आई एम ऑन माय 23rd बर्थडे विजिटिंग माय बिगेस्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। हाउ क्रेजी इज दैट। कहते हैं हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी के अपने कुछ किस्से, और आज की इस कहानी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 नए किस्से, लांगजा, हिक्किम और कॉमिक। तो काजा से सुबह 10 बजे अपनी बाइक्स पर बैठकर करीब आधे घंटे की रोड ट्रिप के बाद हम पहुँच जाते हैं लांगजा, जो कि आज की हमारी जर्नी की सबसे पहली डेस्टिनेशन है। कम ऑक्सीजन, ज़्यादा ठंड और इतना ड्राई वेदर, 14,500 फीट की हाइट पर बने इस विलेज में सर्वाइव करना अपने आप में एक चैलेंज है। और कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू एक ऐसी जगह पर बना है जहाँ से वो इतनी हार्श कंडीशन में भी इस पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये स्टैचू इतना इम्पैक्टफुल है कि अगर आप इस विलेज के आसपास भी होंगे तो भी आप इसकी प्रेजेंस को ईजिली फील कर पाएंगे। तो स्पीति में एक इस तरह की चीज़ मिलती है, ये ड्राइड एप्पल्स हैं, और ये एप्पल को सुखा करके मतलब खाते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी हम लोग ने एक पैकेट लिया है यहाँ पे, बस 50 रुपीज़ का मिला हमें। तो अगर आओ कभी आते हो स्पीति की साइड में तो ज़रूर ट्राई करना। बाकी मैगी जो है वो अपनी आ चुकी है। इस विलेज में कुछ समय बिताने के बाद हम निकल गए अपने आज के सफ़र की दूसरी मंजिल की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हिक्किम विलेज, जो कि स्पीति वैली के वन ऑफ द रिमोटेस्ट विलेजेस में से एक है। और ये विलेज फेमस है अपने वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की वजह से। इस एरिया में ना ही मोबाइल नेटवर्क आते हैं और ना ही इंटरनेट, तो ऐसे में ये पोस्ट ऑफिस यहाँ के लोगों के लिए बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने का इकलौता सोर्स है। और इतनी रिमोट लोकेशन पे होने के बाद भी आप यहाँ से ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ पोस्ट कार्ड्स वगैरह हैं, और यहाँ से हम लोग कुछ पोस्ट कार्ड लेके उस पर कुछ अपना कस्टमाइज वगैरह नोट लिख करके उसको पोस्ट कर सकते हैं, और ये थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी पोस्ट हो सकता है। तो मतलब ये बड़े अपने आप में बड़ी मैजिकल सी चीज़ है कि इतनी हाइट से एक पोस्ट ऑफिस है जो कि ऑपरेशनल है, और वहाँ से आप कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो, वो पोस्ट हो जाएगा। तो बस अभी वही कुछ पोस्ट कार्ड्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर अपने घर पर और कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह को पोस्ट करेंगे। विंटर्स के टाइम पे जब पूरी स्पीति वैली में हैवी स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, उस टाइम पे भी ये पोस्ट ऑफिस बंद नहीं होता,
और इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि इस पोस्ट ऑफिस की यहाँ की लोगों की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। और इतने स्पेशल पोस्ट ऑफिस पर आए हैं तो यहाँ से कुछ पोस्ट करना तो बनता है। इस ट्रिप पर आए मुझे करीब एक हफ्ता हो चुका है। अभी तक मैंने बहुत सुंदर लैंडस्केप देखे और कुछ बहुत ही शानदार रोड्स पर ड्राइव किए, लेकिन हिक्किम से कौमिक की रोड ट्रिप शायद अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे सुंदर रोड ट्रिप है। यहाँ ड्राइव करते हुए ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया के टॉप पर पहुँच चुके हैं। वैसे इस तरह की जगह से कैमरा जस्टिस तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक कोशिश करना तो बनता है। और इन नज़ारों को आप एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हैं कि तभी आप पहुंचते हैं दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल विलेज में। तो हम लोग ऑफिशियली दुनिया के सबसे बेहतरीन गेस्ट हाउस में आ चुके हैं, और लग्जरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं व्यूज की बात कर रहा हूं। भाई मेरे को किसी का कुछ नहीं होता, ये बेड ले रहा है। और इसी के साथ लेट मी वेलकम यू टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस ऑफ इंडिया। दिस इज कौमिक हिमाचल प्रदेश। मैंने अगर परफेक्ट विंडो व्यू भी इमेजिन किया होगा ना, तो वो भी इससे बेहतर नहीं होगा। स्पीति वैली मेरी हमेशा से ड्रीम डेस्टिनेशन थी। पहली बार मैं आया हूँ और मैं मतलब भाई ये अलग ही चीज़ बन चुकी है मेरे लिए। सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स होने वाले मेरी लाइफ के। तो ये जो है यहाँ रात की नाइट्स का की तैयारी चल रही है। अभी एक सामने कैमरा लगा के फ्रेम सेट कर दिया है, बाकी एक भाई ने जस्ट अभी भी फिर फ्रेम चेक कर रहे हैं। अभी एक और ट्राइपॉड रेडी है यहाँ पे, यहाँ जो है भाई बस आराम कर रहे हैं अपना। और सामने विंडो के थ्रू जो है एक फ्रेम हमने सेलेक्ट करी है, एक ये फ्रेम रखने वाले हैं और बाकी दो अलग अलग फ्रेम्स रखेंगे। अभी तो जस्ट ब्लू और ख़त्म ही हुआ है थोड़ा सा, मतलब अभी भी हल्का हल्का ग्रेडियंट है ब्लू का स्काई में। तो थोड़ी देर में जब तारे आने शुरू होंगे तो आज करेंगे थोड़ी कोशिश। आज का स्टे भी हमारा यही है, तो कुछ टाइम वाली लिमिटेशन नहीं है जैसे कल थी। बाकी थोड़ी सी विश है कि आसमान जो है थोड़ा साफ हो जाए, बादल हट जाए, जिससे कि एक अच्छा नाइट स्काई कैप्चर कर सकें। एक मिल्की वे अगर दिख जाएगा तो मतलब बहुत ही बढ़िया ही हो जाएगा। बचपन से ही तारों के साथ एक अलग सा अटैचमेंट रहा है मेरा, और जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि कम से कम एक रात खुले आसमान में तारों के नीचे बिताऊँगा। और आज फाइनली जब वो रात आई तो वो नज़ारा कुछ ऐसा था।
15,000 फीट की हाइट पर है दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज। और इतनी हाइट पर होने की वजह से यहाँ ना ही पेड़ उगते हैं और ना ही यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि यहाँ ज़्यादा फार्मिंग की जा सके। लेकिन फिर भी यहाँ के ज़्यादातर लोगों का मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि यहाँ ग्रो होती हैं सिर्फ 3 तरह की फसलें, आलू, मटर और जौ। और इसी वजह से जहाँ पूरा स्पीति आपको ब्राउन और डेजर्टेड कलर का दिखता है, वहीं कॉमिक में आपको इस तरह के लश ग्रीन फील्ड्स दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ के लोगों की लाइफ आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और ऑलमोस्ट ना के बराबर बारिश। लेकिन फिर भी फार्मिंग करने के लिए सबसे बेस्ट बैकग्राउंड शायद यहीं के लोगों के पास है। इस नेचुरल ब्यूटी और फर्टाइल लैंड के अलावा कॉमिक विलेज में है स्पीति वैली की सबसे हाईएस्ट तांग्युड मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि कॉमिक आकर सबसे पहले आपकी नज़र इसी मोनेस्ट्री पर पड़ती है। और ये मोनेस्ट्री बाहर से देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है यहाँ का मेन टेम्पल। वैसे तो यहाँ की हर मोनेस्ट्री अपने आप में स्पेशल है, लेकिन स्पीति आकर सबसे पीसफुल और डिवाइन एनर्जी मुझे इसी जगह पर फील हुई। और मोनेस्ट्री में विजिट करके हम बाहर आ ही रहे थे कि तभी पहाड़ों के मौसम की जो कहानियाँ मैंने वीडियोस में सुनी थी, वो अब सच साबित होने लगी थी। सुबह का मौसम जहाँ एक क्लियर और सनी वेदर में बीता था, वहीं शाम के समय अब स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। और इससे पहले कि मैं ये रियलाइज करता कि मेरी ट्रिप का आज ये आखिरी दिन है, मेरे सामने था कॉमिक विलेज का ये बहुत ही शानदार ब्लू आवर। This pain is not of the ordinary. Every time that I breathe, I can feel your worry. So I have to take my love and write a different story.